नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, मतलब 4 times का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। तो समझ सकते हैं ऐसे शेयर आप भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे, क्योंकि इस गिरावट वाले मार्केट में जहां हर शेयर बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनियों के शेयर जो है वो 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो वैसे ये शेयर है जो कि मतलब पिछले एक महीने से बात करें, 1.5 महीने से बात करें तो वो 50% का रिटर्न दिया है, वही एक साल में 4 times का रिटर्न दिया है। तो ऐसे मल्टीबैगर शेयर के बारे में आप भी जानना चाहेंगे और ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में निश्चित ही आप भी रखना चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम उसके सारे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज़ को देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम आते हैं इन शेयर पर जिस शेयर की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो शेयर है हमारा अदानी ग्रीन एनर्जी। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका चार्ट कुछ इस तरह का है, पीछे तेज मूवमेंट इसमें आया था, फिर इसमें गिरावट आया और फिर से ये देख सकते हैं उसी अपने 52 वीक हाई पर या फिर जो ऑल टाइम हाई है उस प्राइस पे चला गया। अभी जो करेंट इसका प्राइस है वो है हमारा 210 रुपीज़ 55 पैसा। तो करेंट प्राइस है इसका। वहीं अब बात करते हैं ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये है 200 डे का मूविंग एवरेज, और ये जो ऊपर इससे लाइन है ये देखते हैं ग्रीन लाइन, ये है हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज, और ये येलो लाइन है हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज, और ये ऊपर वाला ब्लू लाइन है हमारा 20 डे का मूविंग एवरेज, और ये सारे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 200 डे का मूविंग एवरेज प्राइस जो है मात्र 122 रुपीज़ है, समझ सकते हैं 122 रुपीज़, जबकि इसका जो अभी करेंट प्राइस है वो है 210 रुपीज़। तो देखते कितना अभी डिफरेंस है, मतलब ये बहुत ही नज़दीक के समय में ये इसमें तेज मोमेंटम देखने मिला है और ये अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, और जो 100 डे का मूविंग एवरेज है वो है 164 रुपीज़, और जो हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज है वो है 179 रुपीज़, और जो 20 डे का मूविंग एवरेज है वो भी है मात्र 195 रुपीज़। तो समझ सकते हैं, और जो करेंट प्राइस है वो है 210 रुपीज़। और RSI देख सकते हैं, यहाँ पर RSI दिखा रहा है कि ये जो है इसका जो स्ट्रेंथ है वो ओवरबाउट जोन में है, ये मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग इसमें हो चुका है, ये 70 के जस्ट क्लोज है, देखते हैं 70 के जस्ट क्लोज, जैसे 70 से ऊपर चला जाता है तो हम इसको ओवरबाउट कहते हैं, और जो नीचे रहता है तो हम कहते हैं ओवरसोल्ड। तो यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था ये देख सकते हैं यहाँ पर 16 मार्च के आसपास, उसके बाद इसमें फिर तेज मोमेंटम देखने मिला जिससे इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ, अभी ये ओवरबाउट जोन में आ चुका है। तो अभी आपको ये ऐसे भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट का सिचुएशन है करेंट सिचुएशन के अनुसार बहुत सारे स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखा जा रहा है, तो करेंट सिचुएशन में आपको इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, इसके प्राइस को थोड़ा फॉलो करना है, और इसके रिजल्ट को भी हम आपके सामने लाएंगे कि रिज़ल्ट में किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ, रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट के कारण ही ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने मिला है। तो देख लीजिए ये हमारा 200 डे जो मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है, यहाँ तक कि 20 डे का जो मूविंग एवरेज है उससे भी ये काफ़ी ऊपर चल रहा है, क्योंकि 20 डे का मूविंग एवरेज जो है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 195 रुपीज़ है, और इस स्टॉक का प्राइस अभी है 210 रुपीज़ 55 पैसा। देखते यहाँ पर भी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी है 210 रुपीज़ 50 पैसा। तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट है। अब हम चलते हैं इसको लेकर के आपको इसका जो ऑल टाइम प्राइस मूवमेंट है उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये मैक्सिमम ईयर में ये हमारा 2019 में ही लिस्ट हुआ है ये कंपनी, और लिस्ट जब हुआ था देखते हैं ये लगभग 30 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक था, उससे ये 69 रुपीज़ गया, फिर इसमें करेक्शन आया और फिर से ये देख सकते हैं यहाँ पर 35 रुपीज़ के आसपास आया, 32 रुपीज़ 70 पैसा के आसपास आया, फिर ये देख सकते हैं धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ा, और यहाँ से देख सकते हैं सेप्टेम्बर 2019 यहाँ से इसमें तेज मोमेंटम आया, सेप्टेम्बर 2019 में तेज मोमेंटम आया, और देख सकते हैं कि ये 10 जनवरी 2020 तक ये जो है करीब
350% का रिटर्न दे चुका इन्वेस्टर को और इसका प्राइस जो है वो पहुंच गया 220 रुपीज़ पर। उसके बाद इसमें फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर मोमेंटम, और फिर यहां पर देख सकते हैं कि फरवरी के बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आया था और करेक्ट होकर के ये 13 मार्च को 123 रुपीज़ तक आ चुका था। उसके बाद फिर से इसमें वही मोमेंटम वापस आया और अभी ये करेंट प्राइस जो है 210 रुपीज़ 50 पैसा पे है। तो कुछ इस तरह का इसका प्राइस मूवमेंट है। तो इसमें देख सकते हैं बीच बीच में करेक्शन आते रहता है क्योंकि अभी रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए इसमें जो आपको देखने मोमेंटम देखने मिल रहा है इस गिरावट के मार्केट में भी। और पिछले दिन इसमें जो करेक्शन आया मात्र 1.35 का, मात्र इतना का करेक्शन आया है। अब हम बात करते हैं देखिए इसका जो रिजल्ट है उसके, यहाँ पर हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, आपको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसमें जो सारे के सारे पैरामीटर्स है उसको भी हम देख लेंगे, कैसा रिजल्ट रहा, किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट रहा जिससे कि इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने मिला। तो यहाँ से देख सकते हैं रिजर्व पहले था -155 करोड़ और ये माइनस से चला गया डायरेक्ट पॉजिटिव में कितना 624 करोड़। तो देख सकते हैं रिजर्व में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसके कारण इस शेयर का प्राइस निश्चित ही आगे जाएगा, मतलब निश्चित ही मोमेंटम पकड़ेगा शेयर का प्राइस, शेयर के प्राइस में तेज़ी आएगा। उसके बाद सिक्योर्ड लोन देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ही तेज गिरावट आया है। सिक्योर्ड लोन में 3000 करोड़ का सिक्योर्ड लोन था, वो आ गया 1631 करोड़ पर। देख सकते हैं सिक्योर्ड लोन में इतना गिरावट। उसके बाद देख सकते 3000 करोड़ का डेप्ट था वो घट करके आ गया कितना 1631। वही जो हमारा सिक्योर्ड लोन है वही डेप्ट के रूप में है कंपनी के पास, देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर्ड लोन जो है वही डेप्ट के करोड़, तो मतलब डेप्ट में जो है लगभग आधा हो गया, डेप्ट जो है कंपनी का आधा हो गया। तो निश्चित है कि प्राइस जो है शेयर का वो तेज़ी पकड़ेगा ही। तो शेयर में जो प्राइस में तेज़ी है वो किसके कारण, डेप्ट कंपनी का बहुत ही कम हो गया है। और आगे चलते हैं और सारे पैरामीटर्स देखते हैं कंपनी का में क्या क्या जो है कंपनी का सुधरा है। अगला है हमारा देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ही डिक्रीज हुआ है। देख सकते हैं कंपनी का इन्वेस्टमेंट पहले 2000 करोड़ का था, अब ये घट करके हो गया 682 करोड़। तो आपको सारी चीज़ पर ध्यान रखना है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस देख सकते हैं, कंपनी का जो कैश और बैंक बैलेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है, पहले था 119 करोड़ अब हो गया 209 करोड़ कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद लोन और एडवांसेस, उसके बाद आप देख लीजिए लोन और एडवांसेस, जो लोन और एडवांसेस है यहाँ पर देख सकते हैं पहले था कंपनी का लोन और एडवांसेस 2633 करोड़ अब हो गया ये 4935 करोड़, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। तो जो पॉजिटिव साइन है वो है कि डेप्ट कंपनी का लगभग आधा हो चुका है, डेप्ट कम होने के कारण कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ही तेज़ी आया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं बुक वैल्यू, कंपनी का बुक वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। देखते हैं पहले बुक वैल्यू 9 था अब हो गया 13.99, तो बुक वैल्यू में भी कंपनी के बुक वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, इसलिए भी कंपनी जो है शेयर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने मिला है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो है कि इसके रिजल्ट में भी बहुत सुधार हुआ है, अदानी ग्रीन एनर्जी स्टैंड लोन मार्च 2019 नेट सेल्स इतना करोड़ अप 243.46%, जैसे इतना परसेंट से इंक्रीज हो गया इसका जो सेल्स है, तो सेल में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि इसका जो रिजल्ट है लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसके कारण कंपनी का जो है शेयर प्राइस में तेज़ी देखने मिला है। तो लगातार इसका रिजल्ट भी बेहतर होते गया है और आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेप्ट है वो भी कम हुआ है। देखिए अब हम आपको लेकर आए हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है उस पर देख सकते हैं यहाँ पर 2017 में मात्र 9.91 करोड़ का इसका जो सेल्स था, मतलब नेट सेल्स या कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें देखिए 18 में बढ़ के 98 हुआ, 19 में बढ़ के 318 करोड़ हुआ और 2020 में देख सकते हैं कितना बढ़ कर के हो गया एक ही बार 1246 करोड़। तो जो हमारा नेट सेल्स है या कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें जो ज़्यादा
बहुत ही शार्प इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण प्राइस में भी उसी रेशियो में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट भी है वो लगातार बेहतर होते गया है, रिजल्ट बेहतर हुआ जिसके कारण शेयर के प्राइस में तेज़ी देखने मिला है हमें। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं इसका प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है। तो प्रॉफिट देख लेते हैं, तो देखिए हम आ चुके हैं नीचे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, प्रॉफिट में पहले निगेटिव में प्रॉफिट था, यहाँ पर देख सकते हैं -34 करोड़ -39 करोड़, और इस पार देख लीजिए पॉजिटिव में रिजल्ट आया है और 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सीधा सीधी देख सकते हैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इसी के कारण आपको शेयर प्राइस में इतना ज़्यादा का मोमेंटम देखने मिला। यहाँ पर देखिएगा तो जो नेट प्रॉफिट है, देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो पहले देख सकते हैं कि लॉस में चल रही थी कंपनी और यहाँ पर एक ही बार प्रॉफिट में आया तो 134 करोड़ का प्रॉफिट, 134 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को 2020 जो फाइनेंशियल ईयर था। इसी के कारण इस कंपनी का जो शेयर देख सकते हैं कि 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें 4 times का रिटर्न दिया है, 4 times का रिटर्न, क्योंकि 50 रुपीज़ का शेयर था और अभी हो गया 210 रुपीज़ का शेयर। तो देख सकते हैं सीधा सीधे ये शेयर जो है हमारा 4 times से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, क्योंकि आपको 1 year पहले ये शेयर मात्र 50 रुपीज़ का हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए सितंबर में ज़्यादा नहीं 6 months पीछे मात्र देख सकते हैं सितंबर में अगस्त में ये 46 रुपीज़ का हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं कि 210 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो 4 times से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है ये कंपनी। तो इतना बड़ा मल्टीबैगर, ऐसे ही मल्टीबैगर शेयर को ढूंढते रहिए, फिर आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा अर्न करेंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तो ऐसे ही स्टॉक के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।